अच्छा, मैंने एक जुमला जरूर सुना, वो अब उस जुमले की तस्दीक होगी और मैं अब मानता हूँ जुमले को। कुछ बड़े सीनियर आते हैं कि गर्मी कबूतर को कुछ नहीं कहती। उसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं, अच्छे कबूतर को गर्मी कुछ नहीं कहती। नहीं नहीं, अच्छे कबूतर परवर के कबूतर को गर्मी कुछ नहीं कुछ। चले, आपके जुमले को और थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं। आपका जुमले को मैं इसलिए मान गया हूँ ना, आपके जुमले को मैं इसलिए मान गया हूँ कि अगर नीचे कोई भी एक अच्छा संभालने वाला बैठा हो, बिल्कुल, तो वो उस अच्छे कबूतर को उसकी असल जगह पे रखता रहेगा। क्योंकि देखे ना, अभी आप अगर बात करें ना, हम बाहर जाते नहीं ना, हम चूंकि जेड चैंपियन लाहौर के घर बैठे, तो हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो सुहेल अंसार खान साहब के कबूतर बुरे नहीं है। नहीं, बड़े अच्छे कबूतर, नोट ऐसे ही मियां हामिद के कबूतर बुरे नहीं है। तो यार, किसके कबूतर बुरे हैं? चंद्राय के कबूतर बुरे नहीं है। घर घर अच्छा कबूतर है। सर, मेरी बात सुने, मैं फिर बात बोल अपनी, मैं कथा कलामी हूं आपको। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छे कबूतर की बात, मैं बता रहा हूँ कि अच्छे कबूतर परवर होना बहुत जरूरी है। वरना, और जो जिसको वही जो बात अमीर मुख्तार खान साहब करते हैं ना, कि याद होगी आपको, वो कहते हैं कि अगर अच्छा कबूतर भी किसी अहमद आदमी के अनाड़ी के हाथ में लग जाए तो वो भी बेकार हो जाता। तो वो बात आप देखें, यहाँ पर जो आपको मिलेगी ना बात, वो ये मिलेगी। अच्छा सर, एक और चीज जो मैं आपसे पूछा था कि अरसा दराज हो गया आपको ये पंजाब के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, तो पंजाब में भी आपका आना जाना बहुत ज्यादा था। पंजाब के कॉम्पिटिशन, मतलब जो बड़े कॉम्पिटिशन जो लोगों को याद है, चोई साहब का, मोइन नवाज साहब का, और ये इनमें आपका किरदार भी बड़ा रहा। उगता ही मेरे घर हुए, बिल्कुल वही ना। तो ये चीजें आपने देखी, आप पंजाब को किस जगह पर देखते हैं, पंजाब की कबूतरबाजी को और लाहौर की, क्यों इसमें आप भी डिफरेंस डालते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर शहर का एक अपना मौसम है। अगर वो अब या तो ये है ना कि मैं, मुझे ये बात बिल्कुल ना पसंद है किसी को कहना कि आप लाहौर आए और लाके मेरे साथ उड़ जाए, या वो मुझे कहे कि जी आप इधर आ जाए पिपला में और आके उड़ जाए। यार, तुम आप पिपला में उड़ा रहे हैं, आप वहां उड़ा रहे हैं, हम लाहौर उड़ा रहे हैं, हम यहाँ, हमें एक दूसरे में गड़मड़ होने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर आप ये कहें कि लाहौर का मौसम को आप इस पट्टी के मौसम से मिला लें, तो वो इंतहाई नाइंसाफी है। लाहौर में जो पोल्यूशन लाहौर में है ना जी, जी। उस पोल्यूशन का मुकाबला करना ही मुमकिन में नहीं है इस पट्टी वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो बड़े खिल। आप वहां गए हैं, आप रात भी वहां रहे होंगे। जी जी, इस विजिट आपने किया है, बिल्कुल। आसमान की तरफ नजर कीजिए जरा, बहुत शफाफ। मैं वही बात में समझ गया, मैं अक्सर जगह उनकी रात कितनी, ये यहाँ पोल्यूशन का ये आलम है कि रात को भी इस फिजा साफ नहीं होती, बिल्कुल ऐसी। तो इसमें अगर वो ये बात कहें कि जी हम जी जो लाहौर वाले ऐसे ही करते, नॉट एट ऑल। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने आके जो ये इतना इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने यहाँ से आके छतें बनाई हैं, ट्राई की हैं और फिर मुकाबले किए बगैर चले गए हैं, अपने आप को आजमा के खुद ही। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि लाहौर का मौसम साफ है? 100%। तो फिर एक चीज को आप लोग क्यों इजाजत नहीं देते? क्योंकि ये जो पंजाब में हमने एक चीज रखी हुई है, पलंटी, ये तो राव भाई बल्कि साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने इस दफा दो पलंटियां सात दिन की प्रवासों में ही कर दी थी, हालांकि 11 दिन में होती थी। तो एक से दो का हक तो लाहौर वालों का भी नहीं बनता। सर देखे, आप देखें, ये मुबशर का एक बैड लक, जो गवर्निंग की बात है ना, कथा कलामी, मुबशर के लिए बैड लक होगा। बड़ा अच्छा कबूतरबाज है, मतलब स्पेशली बहादुर आदमी है, जैसे उसको उड़ाने आए ना आए, उसके पास बड़ा अच्छा उड़ाता है ना हो, वो शौकीन है, वो शौकीन है और मजे से और बहादुरी से उड़ाता। उसका एक कबूतर बैड लक होगी, मर गया पहले। उस बेचारे एक अच्छे प्लेयर का क्या कसूर है कि वो बाद में बाकी प्लेयर्स का मुकाबला नहीं कर सकता? नहीं, ये होना चाहिए मैं इसके, लेकिन उसमें क्या, अब हमारी बदकिस्मती क्या है, अब हमने हर एक ने तो डेढ़ इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हमें अपनी मस्जिद में तो ऐलान करना चाहिए। देखे, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हम कर दें, वो हमारे प्लेयर उधर भी शामिल होते हैं। अब ये देखे ना, उसका फिर डिफरेंस आ जाता है, जब टूर्नामेंट छूटते हैं कवानीन जब टकराते हैं तो काम खराब हो जाता है। इसीलिए पहले भी एक दफा इकट्ठे हुए थे और हमने उनकी प्रपोजल पर वेलकम किया था, ये नहीं कहा था कि आप कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं या हम क्यों आए। हमने लिबरल पन का मुजाहरा किया था, गए थे। अब हुआ क्या कि एक फैसला मुश्तरका किया गया, उस फैसले के बाद खुद ब खुद उससे बैकआउट कर लिया गया। वाय,
अगर उस फैसले में कोई दुश्वारी कामरान आ गई थी या कोई बंदे ये समझ रहे थे कि इस फैसले में किसी जगह कुछ झोल रह गई है, तो सारे बड़े मौजूद थे ना। अच्छा सर, मैं एक और बात इसमें करूँ कि हमारे यहाँ ना जो हमने जजेस कभी बनाए थे तो हमने कभी उनको खुद से अहमियत नहीं दी, तो हम उनके फैसलों को कैसे अहमियत देते। या तो जजेस प्रॉपर एक ऐसी क्रीम निकाल के सुप्रीम क्लास जो उसको ही जज बना दिया जाए ताकि आगे सवाल करने की गुंजाइश ही ना। मैं ये आपको बताता हूँ, मैंने बहरीन कप कराया था, उसमें एक छत पर जो था वो इशू क्रिएट हुआ, 7 जजेस थे, मुझे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे, ताकत का सर चश्मा, उन लोगों ने फोन किए कि जी फैसला इसके हक में कर दो। मैं कहा माजरा चाहता हूँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन है, जजेस ये 7 लोग हैं, जो ये 7 लोग सुन के फैसला करेंगे हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। सही है, हमारा काम फैसला करना नहीं है। उन 7 लोगों ने सुना, 7 में से 6 ने उस उनके खिलाफ फैसला कर दिया, 1 जज ने उनके हक में कर दिया, 6-1 से फैसला हो गया वो। उसके बाद मुझ पर इतना प्रेशर आया कि मैं यहाँ वो बयान नहीं कर सकता कि जी आप उनको इनको दे। मैं कह ना मेरी गर्दन कट जाएगी, जजेस के फैसले को आप हेल्ड रखना है मैंने, और जजेस को इज्जत दी, उनके फैसले को आप हेल्ड रखा हमने, ये तो आपने करना है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों नहीं करती। अगर वो फैसला, देखिए जजेस गलत भी तो कर सकते हैं ना जी जी, अगर वो कर रहे हैं तो उस पर बंदे को फिर स्टैंड लेना चाहिए। और अगर हाँ, अगर आप उसको नल एंड वाइड करना चाह रहे हैं तो फिर जो जिन लोगों ने अपने जजेस नॉमिनेट किए थे वो सीनियर्स इकट्ठे हो जाते, वो बैठ के उस पे सर जोड़ लेते। मैं वही तो बात करूं कि जो सीनियर, अगर हम जब हमने बाद में भी सीनियर्स के पास जाना है और जब सीनियर से भी गुजारा नहीं हो रहा तो फिर हमने कुरान के पास और मस्जिदों में वजू करने नहीं, हमने तो इस दफा जो है ना, तो हमने तो अपने इस दफा जजेस ही चेंज कर दिए थे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम जो कमांड्स हैं हमने तो अपने बना ले, उन्होंने हर रोज बैठना तो होता ही। अब देखे जी, मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूँ ना कि जी आप 15 टूर्नामेंट कराएं और 15 में टूर्नामेंट का 1 मुनसिब किया हो। अगर मुझे खारिश है 15 टूर्नामेंटों में एंट्री देने की तो मुझे 15 मुनसिब तैयार रखने चाहिए अपने। ऐसी ये सबसे बड़ी खराबी की जड़ ये है, कट्ठी एंट्रियां, कट्ठे ये उसका देन, उसका लेन, उसकी खराबी। हमने जितने टूर्नामेंट कराए हैं, टूर्नामेंट खत्म हुआ 15 दिन के अंदर इनाम तकसीम करके भरे कर दी। हमने सर पकड़ के बैठे हैं अभी तक किसी बात, यही बात है ना, गलत है ना। आप बात करें, आप अपनी 10 एंट्रीज का टूर्नामेंट उड़ा लें, 10 सर कैसे उड़ा लें। मुझे नया बेदर फोन कर दे कि कामरान मेरी 4 छतें लिख लो, मैं नया बेदर से कैसे कह दूं कि यार मुझे एंट्री भेज दें आप। नहीं नहीं, एंट्री भेजने की बात नहीं है, नया बेदर को अगर कहेगा तो एंट्री आप समझेंगे आपकी जेब में है। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपको पता नहीं, आप ना लिखें। मैंने लाख वाला कप उड़ाते थे, हम एडवांस एंट्री लेते थे। क्यों तो आप इसी तरह के लोग नहीं? हाँ बिल्कुल, हम तो एडवांस एंट्री नहीं उड़ाई। इस दफा भी कहा था कि 14 जेठ को एंट्री दे दे तो हम 15 दिन में तकसीम इनाम मात करेंगे, किसी एक ने पहले एंट्री नहीं दी। देख लें आपको अंदाजा। अच्छा मैंने, लेकिन हमने कर देना है, हमने ईद के ड्यूरेशन आ जाए, क्योंकि ट्रॉफी वाले ने टाइम मांगा हुआ है कि जी वो कहते हैं मैं 15 दिन से कम टाइम नहीं लूंगा ट्रॉफीज के लिए, तो उसके दरमियान में ईद की छुट्टियां आ गई हैं, तो हमने इस डिस्टेंस से हमने तो 1 या 2 रोज में तकसीम इनाम अनाउंस कर दे लिए अल्लाह के फजल से। बार अब ये जो जजेस का मसला है इसको किस तरह से हमने तो अपना तय कर लिया है। जजेस का मसला बताऊं क्या काम है इसमें, होना तो यही चाहिए कि न्यूट्रल पर्संस आए। शॉप की बेहतरी की, देखिए कानून के लिए तो कहीं पे भी बैठा जा सकता है, कानून पे जैसे आपने पेनल्टी वाला कहा है, मैंने तो पहले भी लाहौर में कई दफा, मैं तो इस हक में हूं जी, बिल्कुल हक में जी, बैठे कानून रिवाइव हो सकते। अब आप ये देखें।